हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल QFAT में। हाजिर हूँ एक नई वीडियो में नए जॉब वैकेंसी के साथ। इस बार जो वैकेंसी है वो है गुजरात के अहमदाबाद में मौजूद टाटा नैनो प्लांट। टाटा नैनो प्लांट में वैकेंसी आई है, इसमें इंटरव्यू होने वाला है। तो कब इंटरव्यू होने वाला है, कैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी, क्या एज क्राइटेरिया, क्या क्वालिफिकेशन और कितनी आपको सैलरी दी जाएगी, और प्लस में साथ साथ सैलरी के साथ साथ आपको कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी कंपनी, ये पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाटा कंपनी की हर आने वाली वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब आप वैकेंसी के बारे में जान जाइए। टाटा मोटर्स में जो वैकेंसी आई है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी है, यानी कि आप डायरेक्ट कंपनी रोल पे जॉब नहीं है। ये जो वैकेंसी निकाली गई है, टाटा कंपनी में जो एक कॉन्ट्रैक्ट चलता है सुखमा कॉन्ट्रैक्ट, इसी की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। तो सुखमा कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से अगर आप टाटा कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप जॉब कर सकते हैं। इसके लिए जो आपके पास जो एज होना चाहिए, एज लिमिट जो रखा गया है वो है 18 से 28 साल के बीच होना चाहिए। 28 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा, 28 साल से कम होना चाहिए और 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। और ये जो वैकेंसी है सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, अभी फ़ीमेल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जब फ़ीमेल के लिए वैकेंसी आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। बात करें फैसिलिटीज़ की, तो टाटा कंपनी में आपको फैसिलिटीज़ फुल मिलेगा, क्योंकि टाटा कंपनी तो फैसिलिटीज़ के मामले में नंबर वन है। तो आपको इस कंपनी में बस मिल जाएगा रूम से आने जाने के लिए आपको, और कैंटीन, PF, ESI, मेडिकल वगैरह सभी इस कंपनी में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो अब आप सैलरी स्लिप ही देख लीजिए ताकि आप सैलरी जान पाएँ कि कितना आपको सैलरी मिलेगा, कितना आपका कटेगा। सैलरी के बारे में सारा आपको जो प्रॉब्लम, जो कन्फ्यूज़न होता है वो सभी दूर हो जाएगा। तो आप सैलरी स्लिप देख लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो सैलरी स्लिप है वो है सुखमा एंड सुखमा सन्स एंड एसोसिएट का है, यानी कि सुखमा जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर लगभग टाटा में, टाटा के जितने इम्प्लॉई हैं लगभग यहाँ पे 50-60% इम्प्लॉई जो टाटा में जॉब कर रहे हैं वो सुखमा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही रह के करते हैं। तो बहुत बड़ा ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसके बहुत सारे इम्प्लॉयज़ हैं जो टाटा में जॉब करते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे जो यहाँ पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टाटा मोटर्स लिमिटेड छारोडी सानंद अहमदाबाद, ये टाटा मोटर का जो एड्रेस है जहाँ पे ये प्लांट है। तो आप एक बार जान लीजिए कि ये इस एड्रेस पे कंपनी में आके आपको इंटरव्यू नहीं देना है। इसका जो सुखमा कॉन्ट्रैक्ट का जो इंटरव्यू होता है वो होता है टाटा मोटर से लगभग सानंद से आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे मुनि आश्रम एक जगह है, वहाँ पे इंटरव्यू होता है। तो आपको वहाँ पे आकर इंटरव्यू देना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले सैलरी स्लिप देख लीजिए क्या सैलरी आपको मिलेगी। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग इधर है और एम्प्लॉई कोड वगैरह, जो पर्सनल डिटेल्स है मैंने हाइड कर दिया है, नेम, फादर नेम वगैरह, ESI, ये सब मैंने हाइड कर दिया है, किसी का पर्सनल डिटेल्स शेयर क्यों करूँ आखिर। तो चलिए आप देख लीजिए कि यहाँ वर्क डेज इन्होंने जितने ड्यूटी किया है वो है 24 दिन, 24 डेज इन्होंने ड्यूटी की है। अब्सेंट इनका 0 है, सी ऑफ भी 0 है, वीकली ऑफ इन्होंने 4 दिन लिया है, और OT इन्होंने 24 दिन की किया है, जी 24 आवर्स है, 24 आवर्स इनकी ओवर टाइम है, और जिसका टोटल अमाउंट इनका जो बनता है वो है 2613 रुपये। आप एक जान लीजिए कि एक घंटे का OT रेट जो यहाँ पे है, आप इधर देख रहे होंगे कि 108 रुपये 87 पैसा है, लगभग 109 रुपये होता है। तो इनका टोटल जो डेज है 28 डेज़ का इन्होंने ड्यूटी किया। इसके लिए ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रोस सैलरी, ये बेसिक सैलरी है और इसमें बहुत सारा अटेंडेंस अवार्ड टोटल जोड़ के आपको कितना मिलेगा आप देख ही पा रहे होंगे, 8853 रुपये। यहाँ पे बेसिक प्लस DA है, HRA 2469 रुपये, अटेंडेंस अवार्ड 4500। देखिए कभी किसी महीने में आपको अटेंडेंस अवार्ड जो होता है महीने का वो कभी 4500 मिलेगा, कभी 4000 ही मिलता है। तो सैलरी में 500 का डिफरेंस आपको किसी महीने में आता रहता है। तो इस महीने का इनका जो बनता है वो है 15822 रुपये, इनका ये बेसिक सैलरी हो गया 15822 रुपये बेसिक सैलरी। अब इसमें देख लीजिए डिडक्शन किस किस चीज़ के काटे जाएंगे, आप इधर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है डिडक्शन का जो कॉलम है। तो PF यहाँ पे 981 रुपये का कट जाएगा, ESI 142 रुपये, ट्रांसपोर्ट जो कंपनी प्रोवाइड करती है बस रूम से कंपनी तक आने और जाने के लिए, उसका इनका 185 रुपये कट गया, और कैंटीन का 324 रुपये, और वगैरह यहाँ शूज अगर आप लेते हैं सेफ्टी शूज़ जैसे कि प्रोवाइड करती है सुखमा कॉन्ट्रैक्ट तो उसका आपको पैसा काटेगी, या फिर यूनिफॉर्म आप लेंगे तो उसका आपको सैलरी हिसाब से पैसा काटेगी, लेकिन इन्होंने नहीं लिया है तो नहीं कटा है। तो इनका सैलरी बनता है 17040 रुपये इनका सैलरी बनता है। तो आप इतना ही समझ लीजिए कि इन हैंड ये काटने के बाद आपका 18000 में से काटने के बाद 17000 रुपये इनका इन हैंड आ जा रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली चीज़ है कि इन्होंने
24 आवर्स यानी कि 24 घंटे का इनका ओवर टाइम भी है, तो ये भी आप माइनस करके आप खुद समझ सकते हैं कि इन हैंड आपको सैलरी कितना मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अब समझ में आ गया हो कि आपको सैलरी एग्जैक्ट इन हैंड आखिर मिलेगा कितना टाटा मोटर्स में। तो अब आपको आना कब है, अगर आप टाटा मोटर्स में जॉब करना चाहते हैं तो आपको मुनी आश्रम आना है सर्वसाधि फॉर्म। आप इस स्क्रीन पर जैसे कि आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, आप वहाँ पे भी आप उनसे बात भी कर सकते हैं। और मुनी आश्रम आपको आना है इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू का जो डेट है, सबसे मेन इंटरव्यू का जो डेट है, इंटरव्यू आपका होगा 5 मार्च को। ये जो 5 मार्च आने वाला है, इसी तारीख को सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है इंटरव्यू। तो आप ज़रूर आइए और आसानी से जॉब ले लिए। आपको किसी भी फीस, किसी को भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फ्री में आपकी ज्वाइनिंग होगी। किसी गलत लोगों के दायरे में मत पड़िए, डायरेक्ट आप आइए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, मैट्रिक इंटर का आप डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा, ITI का डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा, आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।